छोड़ देता हूँ मैं तुमको। ना ना मैं ऐसे जाऊंगा। तो दौड़ क्यों है अभी? आर्मी के लिए। आर्मी के लिए? बाप रे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले का 19 वर्षीय प्रदीप मेहरा इस वक्त ट्विटर पर सनसनी बन चुका है। प्रसिद्ध क्रिकेटर हरभजन सिंह, कोई दीवाना कहता है फेम कुमार विश्वास, अभिनेता मनोज वाजपेयी, केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत, लगे रहो मुन्ना भाई व थ्री इडियट के लिए नेशनल अवार्ड विजेता सिंगर एवं राइटर स्वानंद किरकिरे, कृष्ण की भूमिका निभा चुके अभिनेता स्वप्निल जोशी, इंडियन यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट श्रीनिवास, प्रसिद्ध आरजे आईएएस, देश के वरिष्ठ पत्रकार और ना जाने कितनी हस्तियों ने प्रदीप को शुभकामनाएं दी हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। अब तक प्रदीप को करीब 50 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं और करीब 1,87,000 लोग लाइक कर चुके हैं और ये लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आइए बताते हैं कि मामला पूरा आखिर क्या है। दरअसल पूर्व पत्रकार एवं फिल्म निर्माता विनोद कापड़ी को 19 मार्च की रात 12 बजे नोएडा की सड़क पर एक लड़का पीठ पर बैग लेकर दौड़ लगाते हुए मिला। वो गाड़ी धीरे कर उसे लिफ्ट ऑफर करते हैं पर वह मना कर देता है। उसके बाद कापड़ी से बात करते हुए जो लिफ्ट लेने से मना करने का कारण सामने आया उसे सुनकर सभी उस लड़के को सलाम करने लगते हैं। वह लड़का बताता है कि उसका नाम प्रदीप मेहरा है और उत्तराखंड के जिला अल्मोड़ा का रहने वाला है। उसकी उम्र 19 साल है। वह नोएडा सेक्टर 16 के मैकडोनल्ड्स में काम करता है। उसकी शिफ्ट रात 11 बजे ख़त्म होती है। उसके बाद वह प्रतिदिन बरौला अपने कमरे तक 10 किलोमीटर इसी तरह से दौड़ते हुए जाता है। 11 बजे तुम्हारी शिफ्ट ख़त्म हो गई? हाँ। क्या पता चला तुमको अभी तक? कुछ पता चला क्या? हाँ, आपको इंटरनेशनल अवार्ड मिला है करके। तुमको इंटरनेशनल अवार्ड मिला? आपको? मुझे तो कोई अवार्ड नहीं मिला यार। सुना ही मैं आया मेरा ऐसे ही। अच्छा, गूगल पे देखिए अभी आईडी विनोद कपड़ी करके। अच्छा, तो क्या क्या हुआ फिर? क्या होगा, कुछ नहीं। तो मैंने तो कल बोला था वायरल हो जाएगा फिर। तो उसमें क्या हो रहा है वायरल होने में क्या हो रहा है? गलत काम थोड़ा ना कर रहा हूँ, दौड़ी तो लगा रहा हूँ। अच्छी बात है। नहीं सुनो, पूरे देश ने तुमको बहुत प्यार दे रहे हैं सब लोग, और सब लोग बोल रहे हैं कि कुछ लोग उल्टा भी बोल रहे हैं। कोई उल्टा नहीं बोल रहा, एक भी आदमी उल्टा नहीं। दो तीन लोगों का कमेंट देखे मैंने, बोल रहा था कश्मीर में दौड़ाओ इनको, इन वहाँ जाके दौड़ना भूल जाएगा ऐसा वैसा करके कुछ। नहीं बेटा, वो एक आध लोग ऐसे होते हैं, लेकिन मतलब लाखों लोग देख रहे हैं और लाखों लोगों ने कहा कि ये बच्चा बहुत कमाल का बच्चा, ये प्रेरणा है बच्चा, इस बच्चे से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। मेरे गाँव में से बहुत लोगों का, बहुत दोस्तों का फोन आ रहा है, भाई तूने तो आग लगा दी, ये कर दी, वो कर दी। आर्मी से भी कई लोगों ने फोन किया, सब लोग तुमसे बात करना चाहते हैं। तो उनको मेरे पास भी आया बहुत लोगों का फोन। तो ऐसे लोगों का नंबर मैं दूं क्या उनका? किसका नंबर? तुम्हारा नंबर दूं? हाँ दे दो। ठीक है, तो क्या कहना चाहते हो देश के लोगों को? कहना चाहता हूँ मेहनत के आगे तो दुनिया झुकती है, बस मेहनत करो तो बाकी सब। और अभी तुम जो है इस वक्त 11:15 बजे अभी तुम अपनी शिफ्ट खत्म करके आ रहे हो, तुम्हारे स्टाफ के लोग पीछे सब देख रहे हैं और सब बहुत खुश है ना? तो अभी फिर दौड़ोगे क्या? हाँ अभी दौड़ के जाऊंगा यार। आज तो मत दौड़ो यार। क्यों? हम छोड़ देते तुमको। ठीक है कोई बात नहीं है, वो दौड़ूंगा पक्का। हाँ। यार आज चल दो यार, कल कितना तुमको मैंने कहा तुम माने ही नहीं। कल तो कल मैं दौड़ आता रनिंग बीच में रोकना ठीक नहीं होता, फिर दर्द होता है पैरों में। अगर अच्छा एक दिन से रोक दी तो रनिंग जो चल रहा था उसको चलने से होता है ना। मुझे हर दिन मिलते हैं लिफ्ट देने वाले, लेकिन कल आप पहाड़ी में बात कर गए तो मैं आपसे बात कर लिया, वरना बहुत लोग मिलते हैं, हर कोई कार वाला तो कोई बाइक वाला आता है कि लिफ्ट आ जा भाई मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, प्रदीप ने बताया कि वे सेना में भर्ती होना चाहते हैं, उसे सुबह के साथ तैयारी का मौका नहीं मिलता इसलिए वह रात में इसी तरह से अपनी प्रैक्टिस करते हैं। जब उसे खाना ऑफर किया जाता है तो वह बताते हैं कि उसके भाई की प्राइवेट जॉब है, उनकी नाइट ड्यूटी है और वह दौड़ पूरी कर घर पहुंचेगा तो खाना बनाएगा। उसे दोनों लोगों का खाना बनाना है, मैं खाना खा लूंगा पर भाई भूखा रह जाएगा। आखिर में कापड़ी कहते हैं कि आज गाड़ी से घर छोड़ देता हूं। तो प्रदीप कहते हैं कि ऐसे तो मेरी दौड़ की प्रैक्टिस छूट जाएगी। 2 मिनट 20 सेकंड का ये वीडियो जमकर सराहा जा रहा है। कापड़ी ने वीडियो में टैगलाइन दी है कि ये होता है खरा सोना। प्रदीप के प्रसिद्ध होने के बाद कई लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। साथ ही दूसरे दिन प्रदीप से मिलने पर उसने बताया कि बहुत लोगों के फ़ोन आए और कई लोग उससे मिलने भी आए। वीडियो वायरल होने के बाद मिलने आने वाले लोग प्रदीप मेहरा की जमकर सराहना कर रहे हैं। न्यूज़ डेस्क, टाइम 24 न्यूज़।